जोधपुर में बांसनी औद्योगिक क्षेत्र की गली 11 स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। पास ही कपड़ों की फैक्ट्री भी आग के चपेट में आ गई और लपटे आसमान छूने लगी। एक दर्जन दमकलों की मदद से देर रात तक आग पर काबू पाने के प्रयास होते रहे। पुलिस के अनुसार गली 11 में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है जो बंद है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर काफी मात्रा में सामान रखा था। बीती रात करीब 11 बजे फैक्ट्री में आग लग गई। इससे हैंडीक्राफ्ट का सामान चपेट में आ गया और देखते ही देखते आग भीषण हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस व अग्निशमन केंद्र को सूचना दी। बासनी और शास्त्री नगर से दमकलें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग भयावह रूप ले चुकी थी। तेज लपटों के कारण पास ही टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी चपेट में आ गई। वहां लगा टीन शेड और कपड़ों का स्टॉक जलने लगा। दोनों फैक्ट्री से उठने वाली लपटें आसमान छूने लगी। आग बढ़ती देख नागौरी गेट व अन्य जगहों से भी दमकलें और मंगवाई गई। फैक्ट्री में केमिकल से भी भरे ड्रम रखे थे जो आग के चपेट में आ गए। ये ड्रम एक एक कर फटने लगे। हालांकि ड्रम फटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बताया है कि ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग भीषण हो गई। दमकल कर्मियों के पास केमिकल फॉर्म नहीं था, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। ये करीब 11:15 के आसपास जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली थी। SHO और बासनी थाना जाता यहाँ मौके पे पहुंचा और अभी जैसा आप देख रहे हैं 5 से 6 दमकल यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। एक पुरानी कोई हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें काफ़ी माल भरा था और इसके पास ही एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसमें भी आग फैलने की बहुत संभावना है और अभी मौके पे फायर ब्रिगेड लगी हुई है, आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये करीब 5-6 दमकल है जो कंटिन्यू भरकर यहाँ पर आ रही है। 2-1 दमकल पीछे की तरफ लगाई, बाकी आगे की तरफ लगाई है। अभी फॉर्म वाली जो दमकल है उसको भी सूचना दी गई, वो अभी तक पहुँची नहीं है मौके पे। उसके पहुँचने से आग पर शीघ्र काबू किया जा सके। गर्मी में खासतौर से ये दिक्कत आती है, हर रोज इन फैक्ट्री में आग लगती है और इसके बारे में संबंधित विभागों को भी सूचित किया गया कि इनके जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, जो नॉर्म्स है, क्योंकि जो खास तौर से फायर प्रोन इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इस तरह के नॉर्म्स का ध्यान में रखा जाए। लेकिन हर बार इस तरह की घटनाएं होती है और हम उच्चाधिकारियों को इसके बारे में सूचित करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी की भी जान को जोखिम में डालने का इनको कोई अधिकार नहीं है।